हेलो एवरीवन, मैं राजीव कुमार पारिक फ्रॉम हॉलीडे प्लानर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हॉलीडे प्लानर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। तो जैसा कि इस चैनल पे हम रेगुलर बेसिस पे जो ट्रैवल अपडेट्स रहती है वो आपको हम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो दो टॉपिक के ऊपर होने वाला है। फर्स्ट तो कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फ्लाइट ऑपरेट करने का डिसीजन लिया है उसके बारे में, और सेकंड जो ट्रैवल अपडेट है वो है कि सिंगापुर ने अपने जो शॉर्ट टर्म के जो वीजा थे, जो शॉर्ट स्टे के जो वीजा थे, वो अभी रिज्यूम कर दिए हैं। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है और क्या गाइडलाइन है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये अपने हमारा जो चैनल है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे जो लेटेस्ट ट्रैवल रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेगी वो आपको इजीली मिल पाए। तो फर्स्ट जैसा कि मैंने बताया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि 15th December 2021 से जो कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स है वो अभी ऑपरेट होने वाली है। और हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो कि सिंगापुर वीजा ने शॉर्ट स्टे के लिए जो वीजा है वो अभी रिज्यूम किए हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप सिंगापुर का वीजा लगवाना चाहते हैं तो अभी आप लगवा सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपका वैलिड पासपोर्ट, जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं उससे नेक्स्ट 6 मंथ तक आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, और आपके जो पासपोर्ट के अंदर मिनिमम 2 पेजेस आपके ब्लैंक होने चाहिए। उसके बाद में सेकंड जो है वो है आपकी फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ्स की नीड रहती है जिसके अंदर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 80% फेस कवर के साथ आपकी फोटो होनी चाहिए। उसके साथ में वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो पहले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म था वो चेंज हो चुका है, अब नया वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। फोर्थ जो है वो है आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर के ऊपर मैंने पूरा पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो एक बार उसे भी आप चेकआउट कर लीजिए कि अगर आप कवरिंग लेटर कैसे बना सकते हैं और क्या क्या उसके अंदर आपको मेंशन करना रहेगा, उसके ऊपर मैंने पहले ही पूरा वीडियो बना दिया है, तो एक बार उसे जरूर चेकआउट करें आप। नहीं, जो रिक्वायरमेंट है कि पहले आपको जो होटल बुकिंग होती थी वो आप डमी देते थे या टेंटेटिव बताते थे तो उसके हिसाब से भी वीजा लग जाता था, लेकिन अभी जो करंट के अंदर सिंगापुर एम्बेसी ने बोला है कि आप जब भी ट्रेवल कर रहे हैं या जब भी आप वीजा लगा रहे हैं तब आपको कंफर्म बुकिंग देनी रहेगी। जब भी आप वीजा सबमिट कर रहे हैं अपनी फाइल तो उसके साथ में जो भी आप बुकिंग देंगे वो कन्फर्म होनी चाहिए, डमी नहीं चलेगी। और उसके साथ में आप फ्लाइट की जो टिकट है वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ का वो आपको साथ में देना रहेगा। उसके अलावा आपका जो ऑक्यूपेशन है कि आप करते क्या है उसके बारे में, जैसे कि आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन जैसे कि GST हो गया या और भी रजिस्ट्रेशन होते हैं जैसे कि MSMI हो गया वगैरह, ये आप दे सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो, और उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय है तो उसके अंदर आप अपने कंपनी की तरफ से NOC, आपका खुद का बैंक स्टेटमेंट और आपका लीव लेटर, ये आप साथ में दे सकते हैं। उसके अलावा जो एडिशनल रिक्वायरमेंट ये हुई है कि जब भी आप फाइल सबमिट कर रहे हैं तो उसके साथ में एक आपका वैक्सीनेटेड ट्रेवल पास जो कि ऑनलाइन होता है वो आपको साथ में अटैच करना है। अगर वो आप अटैच करते हैं तो आपका वीजा प्रोसेस किया जाएगा। उसके अलावा सिंगापुर की जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप जब भी ट्रेवल करते हैं तो आपको कोविड का जो टेस्ट होता है वो आपको साथ में कैरी करना है, उसकी रिपोर्ट जो कि 48 आवर के अंदर होनी चाहिए। और उसके अलावा जो मोस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो वैक्सीन लगी हुई है उसको 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं दोनों वैक्सीन को, तभी आप ट्रेवल कर पाएंगे। इसी तरह की और भी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।